हमने गूगल सीट बताई थी आपको, तो गूगल सीट में हमने आपको बिल बताया था और वो हमने आप सभी को शेयर भी किया हुआ था। तो सबसे पहले तो अपन गूगल क्रोम ओपन करते हैं और इसमें अपनी आईडी लॉगिन करते हैं। जीमेल पर क्लिक करेंगे आप, हमारी आईडी शो हो रही है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे और अपन यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल ऐप्स है इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सीट्स आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये थी ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे, यही थी। ठीक, ये थी या नहीं थी? यही थी। अब इसमें आपको देखना है कि किसने क्या एडिटिंग की है। जैसे कि अपन यहाँ पे चलते हैं, जीएसटी लिखा है या फिर कुछ और देखते हैं, जैसे ये लिखा है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सो एडिट हिस्ट्री ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 5। किसने आईडी लिखा है, इसने श्रीवास्तव। कितनी तारीख को, 27 तारीख को। कितने टाइम, 7:23। रात में किया था, मतलब सही टाइम बता रहा है। इससे पहले क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था। इससे पहले क्या लिखा था, 2। किसकी आईडी लिखा था, हमारी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटिंग बता रहा है आपको। ठीक, ये तो आप एक एक करके देख पा रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए ये ओप्पो है, हमने इसे रेडमी कर दिया, रेडमी। ठीक है, अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और सो एडिट हिस्ट्री देखेंगे तो वो बता रहा है रिप्लेस में पहले क्या लिखा गया था, ओप्पो, फिर रिप्लेस करके क्या लिख दिया, रेडमी। नहीं, वो तो अपने आप बता, अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो वो अपने आप बता देगा। और यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली में देखा, जैसे ये मोहित साउथ नाम चेंज किया है इसमें, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे सो एडिट हिस्ट्री, तो आप देखें किसने किया है, यहाँ पे ये बता रहा है आईडी। अब अपन यहाँ पे एक साथ पूरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि किस किसने क्या एडिटिंग की है, इसमें तो एक एक करके देख पाएंगे आप। तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन आ रहा है लास्ट एडिट, इस पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे थोड़ा। तो देखिए इसमें अभी आज की डेट बता रहा है 29 तारीख, 4:38। अभी इसमें एडिटिंग की गई है, ये पर्पल कलर बता रहा है हमारी आईडी का, मतलब अभी एडिटिंग की गई है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, करंट वर्जन में। और इससे पहले मतलब कि यहाँ पे बता रहा है सैटरडे, सैटरडे को किस किसने किया, वो इस पे क्लिक करेंगे आप तो देखेंगे आप, इसने श्रीवास्तव ने किया, यहाँ पे ये वाली की है, एक ये की है और एक ये की है। इससे पहले किसने किया, 27 तारीख को, इस पे क्लिक करेंगे आप तो देखिए इसमें दो ही कलर आ रहा है, एक तो ये आ रहा है स्नेहा श्रीवास्तव का ग्रीन, तो ग्रीन कलर से जितना है वो स्नेहा श्रीवास्तव ने किया है। पर्पल कलर से जो है वो यहाँ पे ये हमारा बता रहा है, जो कि यहाँ पे है, और ये निखिल लोधी नाम का जो ऑरेंज टाइप का है वो उन्होंने किया हुआ, पर यहाँ पे वो कलर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ इसको ओपन किया है, एडिटिंग कुछ नहीं की है। अगर एडिटिंग करते हैं तो वो बता देता है आपको। ठीक, और अगर आपको इसे वापस लेके आना है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपकी क्वांटिटी में 2 लिखा है और यहाँ पे ओप्पो लिखा है, लेकिन अभी अपन ने चेंज कर दी थी। अगर आपको पुरानी ही हिस्ट्री लेनी है, जैसे डिलीट कर दिया ये किसी ने, हम बैक चलते हैं, हम इस पूरे बिल को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया और इसे क्लोज कर दिया, तो आपको पता है कि ऑनलाइन जो रहता है आपकी शीट या डॉक्स, उसको अपन सेव नहीं करते, वो तो ऑटोमेटिक सेव होता है। तो आपने इसका डाटा डिलीट किया है ना, वो ऑटोमेटिक सेव हुआ है उसमें, देखिए। देखिए डिलीट हो गया पूरा डाटा, लेकिन अब आपको वापस लेकर आना है तो क्या करेंगे, ये लास्ट एडिट इस पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आप देखेंगे इस आईडी ने मतलब यहाँ पे डिलीट कर दिया, लेकिन अपन ने पुराना वापस लाना तो किस डेट का लेके आना है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसका लेना है आपको 27 तारीख का, यहाँ पे बता रहा है आपको डाटा पूरा, ये आपकी शॉप का नाम है, ये आपका नाम वगैरह, मोबाइल नंबर सब, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है रीस्टोर दिस वर्जन, इस पे क्लिक करेंगे और रीस्टोर कर देंगे तो आपका डाटा पूरा वापस आ जाएगा। आ गया? हाँ, हाँ, पूरी हो गया भाई। ये तो
हाँ देखिए वही तो आ गई पुरानी, जो पांच थी उससे पहले का और लेकिन दो बार ये दो दो लिखी तो क्वांटिटी तो बोल ही सकते थे आप। अलग अलग डेट का कर आएगा, 27 तारीख का अलग, 28 का अलग, उससे पहले का अलग, उसके बाद का अलग। तो जिस भी डेट का आपको रिस्टोर करना है उस डेट को आप सेलेक्ट करके रिस्टोर पर क्लिक कर देते हैं, तो आपका डाटा वापस आ जाता है वो यहाँ पे। अब आप यहाँ से हिस्ट्री देखते हैं ना सारी एक साथ, यहाँ पे मिलता है आपको। अपन इस पर क्लिक करते हैं, देखिए मिल रहा है ये रिस्टोर दिस वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दो है और यहाँ पे एक है, अगर इस वर्जन को रिस्टोर करना है तो यहाँ पे रिस्टोर कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे, तो ये दो आ जाएगा यहाँ पे क्वांटिटी में आपका, ये यहाँ पे एक आ जाएगा, अभी पांच था आपका। तो इस टाइप से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे सारा, ठीक। अपन इस पे ये सीट बना रहे हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं और रिनेम कर देते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या दे देते हैं, बिल, ठीक। अब आपको एक और सीट बनानी है तो ये प्लस का साइन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे एंड इस पे आप राइट क्लिक करके रिनेम कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेट लेंगे लाइट वाला, हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं। अपन 2023 का डेट लेते हैं, 2024 तक ले लेंगे अपन, ठीक है। तो मान के चलिए अपन 1/8/2023 ले लिया अपन ने, एंटर किया, 24 हो गई, हमने 23 लिखा था या 24 लिखा था, 1/8/2023, ठीक है 24 लिख गया हुआ गलती से। फिर यहाँ पे अपन लेते हैं 5/9/2023, फिर ले लेते हैं अपन 1/6/2023, 6 नहीं सॉरी 10, यहाँ पे 10 आएगा। ये अपन डेट ले रहे हैं, ठीक है अपन ये कुछ डेट ले ली। अब यहाँ पे आप क्या डालेंगे, करेंट रीडिंग, करेंट रीडिंग क्या, करेंट रीडिंग मतलब होता है आपका, हाँ वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट की जो अभी आपका चल रहा वो रीडिंग। तो यहाँ पे आप रीडिंग डालेंगे, कितनी कितनी डालनी है आप यहाँ पे डाल देंगे, ये हमने अपने अकॉर्डिंग डाली, आप आपके अकॉर्डिंग डाल देंगे और इसे आप ड्रैग कर देंगे। पर ये रीडिंग कहाँ से डालनी है, मीटर लगा रहता है घर पे तो मीटर में लिखी रहती है कितनी रीडिंग बनी है आपको, वो रीडिंग आपको यहाँ पे डालनी है, करेंट रीडिंग, ठीक। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग उसी में बना रहे हैं हम, ये क्या होगा, प्रीवियस रीडिंग मतलब कि हाँ वही पिछले मंथ की रीडिंग, वही भूत का, चलिए अरे बात नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस, देखिए करेंट रीडिंग क्या होती है, प्रेजेंट में मंथ था वो रीडिंग, प्रीवियस मतलब पिछले माह की रीडिंग। तो मान के चलिए आप यहाँ पे देखिए 8वां मंथ है यहाँ पे, तो ये तो उसकी, अब यहाँ पे आप और पुरानी रीडिंग डाल रहे हैं आप, तो यहाँ पे मंथली उसकी रीडिंग है ये, ठीक है। अब ये प्रीवियस रीडिंग है तो ये करेंट रीडिंग आपकी प्रीवियस होती जाएगी जब आपका नेक्स्ट मंथ आता जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और इस पे जाके एंटर कर देंगे और इसे ऑटो फिल कर देंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आपका डाटा, और जो भी डाटा आपको लेना मतलब यहाँ से लेना, यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। जैसे कि मान के चलिए इस मंथ की रीडिंग आपकी ये है, तो अब आपको फरवरी मंथ आएगा तो ये जनवरी मंथ की हो जाएगी ना, प्रीवियस हो जाएगी आपकी, तो इसलिए अपन ने प्रीवियस में लिख दिया यहाँ पे, हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, यूज रीडिंग, यूज रीडिंग कितनी क्या होती है, कितनी यूज की है आपने। तो अपन यहाँ पे इक्वल करेंगे करेंट रीडिंग का सेल क्या, हाँ
वो इसलिए बता रहा है क्योंकि पहले